ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की लिमिट कितनी होती है, लो ब्लड प्रेशर की लिमिट कितनी होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में हार्ट किस कंडीशन में होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, और हमेशा ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट ब्रांकियल आर्टरी अपर आर्म से ही क्यों लिया जाता है, तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट रोजाना आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी में दो ऐसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो मूव करते हैं, एक हो गया ब्लड और दूसरा हो गया लिम्फ, एंड उनमें से ब्लड इज एन इंपॉर्टेंट लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने का काम करता है। यहां पे हम लोग समझे कि ब्लड ये काम कर कैसे पाता है, तो ब्लड के पास ब्लड वेसल्स होती है, वो थ्री टाइप्स की होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, कैपिलरीज में और वेंस में। ये थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड फ्लो कौन कराता है, पंप कौन कराता है, तो ह्यूमन हार्ट जो हमारे पास हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा ऑल ओवर द बॉडी, एंड रिसीव करता है ऑल ओवर द बॉडी इन साइड द चैम्बर राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में रिसीव करेगा, राइट ऑरिकल से भेजेगा ब्लड को राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल उसको लंग्स में भेजेगा, लंग से वो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, एंड लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज के द्वारा फिर क्या किया जाएगा, ब्लड को पूरे बॉडी में सेंड कर दिया जाता है। ये हमारे हार्ट का फंक्शन होता है जिसमें वो ब्लड को क्या करता है, ऑल ओवर द बॉडी पंप करता है और ऑल ओवर द बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। अब ये जो सर्कुलेशन है ब्लड का फ्लो है, इट एग्जर्ट अ फोर्स। ये क्या करता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, आर्टरीज के अगेंस्ट, वेंस के अगेंस्ट, कैपिलरीज के अगेंस्ट एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। इट मींस आप जानते हैं कि प्रेशर इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे एग्जर्ट किया जाता है। तो यहां पे ब्लड वेसल्स की वॉल वो एरिया हो गई, इट मींस ब्लड की जो वेसल्स है उसके अंदर स्पेस है, एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड को फ्लो किया जाता है एक फोर्स के साथ हमारे हार्ट के द्वारा, एंड उस प्रेशर को एंड उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इसको हम लोग स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर की दो लिमिट होती है, पहली लिमिट होती है सिस्टोलिक जो कि हायर अपर लिमिट है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड जो लोअर लिमिट है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SBP और DBP के नाम से जानते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दौरान हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक झटके से ब्लड को बॉडी में पंप कर देता है, इट मींस जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, एंड जो हमारे हार्ट का रिलैक्सेशन टाइम है टेंपरेरली उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट मींस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दौरान रिलैक्सेशन होता है हार्ट का। इट मींस ऑल ओवर द बॉडी से ब्लड को रिसीव किया जाता है, कहां पे, हार्ट के राइट ऑरिकल के चैंबर में, राइट ऑरिकल से फिर वो राइट वेंट्रिकल को जाएगा। SBP अपर लिमिट एंड DBP लोअर लिमिट हो गई हमारे ब्लड के प्रेशर की। हम लोग ब्लड प्रेशर में इसी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के रेशियो को मेजर करते हैं। इट मींस SBP अपॉन DBP होता है ब्लड का प्रेशर। इट मींस अगर हम लोग BP इज इक्वल टू बात करें तो SBP अपॉन DBP, जो SBP है वो ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में 120 एंड जो DBP है वो 80 mmHg होता है। mmHg क्यों, क्योंकि हम लोग मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में क्या करते हैं, प्रेशर को, ब्लड के प्रेशर को मेजर करते हैं। तो जो SBP हो गया अपर लिमिट 120 एंड जो लोअर लिमिट हो गया वो 80 mmHg होता है।
अब हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, अ परसिस्टेंट रेज इन द बीपी, इट मींस ब्लड का प्रेशर जो अपर लिमिट मैंने आपको बताई 120, अगर ये अपर लिमिट से ज्यादा इट मींस 140 mmHg के आसपास परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म तक अगर आपका ब्लड का प्रेशर बना रहता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये एक तरीके से साइलेंट किलर भी बोला जाता है। हाइपरटेंशन को क्या कहते हैं, साइलेंट किलर। और ये कितना होता है, मोर देन 120 mmHg, अगर ये अपर लिमिट से ज्यादा रहता है लॉन्ग टर्म तक, तब उसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर का डिफरेंस, उसके रीजन, उसके इफेक्ट अपलोड किया जा चुका है वीडियो, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वीडियो के एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। अगर हम लोग हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो अ परसिस्टेंट फॉल इन द बीपी, इट मींस ब्लड के प्रेशर में परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म तक अगर कम रहता है, कितना कम रहता है, लेस देन द जो नॉर्मल लिमिट है, नॉर्मल लिमिट है 80 mmHg, अगर ये लॉन्ग टर्म तक इससे कम अबाउट 70 के आसपास रहता है तो उसको हम लोग लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में फेंटनिंग वगैरह के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करते हैं कि व्हाई बीपी इज ऑलवेज टेकन ऑन द ब्रांकियल आर्टरी, अपर आर्म से ही हमेशा मेजर क्यों करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो रीजन है, बिकॉज इट इज एट द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ अ हर्ट, इट मींस जो अपर ये आर्म है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हर्ट के है, तो हर्ट के हॉरिजॉन्टल लेवल में होने के नाते दस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेबल। यहां पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट है, ग्रेविटी का इफेक्ट है, वो निग्लेबल होता है, इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाता है किसका, ब्लड के प्रेशर का, हार्ट की पंपिंग के सिस्टम का, SBP एंड DBP की रेशियो का। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।